हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं मनीष और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेविल एक्स क्रिएशन में। तो गाइज, मैं आपके लिए एक खास मैजिक ट्रिक लेके आया हूं, बॉटल ऑन अ बिल्डिंग। तो गाइज, बेसिकली इस वीडियो में मैं बॉटल को बिल्डिंग पे रखने वाला हूं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये कैसे क्रिएट किया है काई मास्टर में। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो गाइज, ये और इस जैसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए गाइज सब्सक्राइब कीजिए डेविल एक्स क्रिएशन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करिए पास वाले बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सको। तो गाइज, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और ये वीडियो जरा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ट्राइपॉड पे सेट कर देना है और पूरे वीडियो के दौरान आपको अपना ट्राइपॉड हिलाना नहीं है थोड़ा सा भी, जिससे ये इफेक्ट हो नहीं पाएगा। तो अपना ट्राइपॉड पे मोबाइल सेट कर लो और थोड़ा सा भी हिलाना मत और इस तरह की कुछ वीडियो आप शूट कर लो। और गाइज, आपको चाहिए होगा एक दूसरा ट्राइपॉड जिससे आप बिल्डिंग की हाइट मैच कर सको। अगर आपके पास दूसरा ट्राइपॉड है नहीं तो आप बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दो तीन बॉक्स आप रख के बिल्डिंग की हाइट आप मैच कर लो, फिर उसके ऊपर आप बोतल रख सको। तो कुछ आप ऐसा ढूंढना होगा आपको जिससे आप बिल्डिंग की हाइट मैच कर सको, उसके ऊपर बोतल रख सको। और गाइज, वीडियो शूट होने के बाद आपको एक लास्ट में एक क्लीन प्लेट चाहिए होगी, तो क्लीन प्लेट लेना ना भूलिएगा वरना ये इफेक्ट नहीं होगा। तो गाइज, अब आपको ओपन करना है काइन मास्टर और आपने जो वीडियो शूट किया है उस वीडियो को आपको इंपोर्ट कर लेना है काइन मास्टर की टाइमलाइन पर। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद आपको जाना है वीडियो के एंड में और जो आपने क्लीन प्लेट लिया है उसको अपने गैलरी में सेव कर लेना है कुछ इस तरह। तो सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कीजिए, जिससे आपका जो क्लीन प्लेट है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओपन करना होगा पिक्सआर्ट और पिक्सआर्ट में जो आपने सेव किया था क्लीन प्लेट उसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है टूल्स में और टूल्स में आपको सिलेक्ट करना है फ्री क्रॉप को। तो आप टूल्स में जाइए और फ्री क्रॉप को सिलेक्ट कीजिए और अच्छे से एकदम क्रॉप कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपका ट्राइपॉड रखा हुआ था वो एरिया आपको क्रॉप करना है। तो आप अच्छे से पहले देख लीजिए कि कहाँ आपने अच्छे से ट्राइपॉड रखा था, उसके बाद आप वहाँ पे क्रॉप करते जाइए। तो मैंने यहाँ पे रखा था, तो मैं आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से करना, मैं रफली कर रहा हूँ आपको खाली दिखाने के लिए। तो मैं जब तक इसको क्रॉप कर लेता हूँ, तब तक आप यार बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनो यार, इन्जॉय करो, चिल करो थोड़ा, तब तक मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ओवरऑल क्रॉप होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और ऐसा कुछ आउटपुट आएगा आपको। तो इसको अब आपको PNG में सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। तो गाइज, सेव पर क्लिक कीजिए और गाइज अपने गैलरी में आप उसको सेव कर लीजिए, सेव टू गैलरी में क्लिक करके। गाइज, वापस आपको काइन मास्टर ओपन करना पड़ेगा और ओपन करके आप लेयर को सिलेक्ट कीजिए और जो पिक्सआर्ट में जो आपने सेव किया था इमेज उसको आप इम्पोर्ट कर लीजिए। अब अच्छे से आप अपने अनुसार आप अच्छे से आप सेट कर लीजिए। जो ट्राइपॉड है पूरा वो दिखना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपको अच्छे से सेट कर लेना है पिक्सआर्ट वाले पिक्स को जो आपने सेव किया था PNG में। तो गाइस, अच्छे से सेट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपना टाइम लीजिए इसमें, क्योंकि ये परफेक्ट होना चाहिए, इसके हिसाब से ही आपका इफेक्ट का जो आउटपुट है वो निकलेगा। तो गाइस, थोड़ा टाइम लो, अपने आप को दो और थोड़ा सा अच्छे से आप सेट करो, थोड़ा टाइम कंज्यूम करो और सेट करो। तो सेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब गाइस, आप उस इमेज को पूरा ड्रैग करके, पूरी क्लिप के दौरान पूरा ड्रैग करके लास्ट तक ले जाओ, एंड तक ले जाओ क्लिप के।
तो गाइज ऑलरेडी आपका जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको लास्ट में थोड़ा कलर करेक्शन करने का रहेगा क्योंकि दो क्लिप को आपको मैच करना है, पिक्स को और जो लास्ट में जो एंड में क्लिप चल रही है उसको। तो गाइज रेडी है आपका इफेक्ट, जो बॉटल ऑनअप बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट करके कलर क्रिएशन थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वीडियो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो गाइज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइज इस वीडियो को, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए गाइज सब्सक्राइब कीजिए डेविलेक्स क्रिएशन यूट्यूब चैनल को, और गाइज प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइज कलर क्रिएशन आप अच्छे से करना, आपको दोनों क्लिप को मैच करना है, तो गाइज थोड़ा पेशेंस रख के आप क्लिप को मैच करना, कलर क्रिएशन करना, और दोनों क्लिप मैच होने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा।